मुझे बोला गया था कि तुम्हें यहाँ रहना है तो 10 लाख रुपया देना होगा। तो सोचिए मैं 10 लाख रुपये कहाँ से दूंगा? अगर 10 लाख रुपये मेरे पास होते मैं खुद ही। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका किसी मेरे चैनल में। दोस्तों अभी बज रहे दोपहर के करीब 3 बजने वाला है। तो फिलहाल मैंने खाना बना लिया है, अभी सब्जी बनाने वाला हूँ जो लाया था कल, पटल बोलता उसको, तो वो अभी बनाऊँगा। और वीडियो में बने रहेगा आखिर तक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी तक मैंने काटा नहीं, अभी घर का बहुत सारा काम कर लिया है, तो सुबह से अभी लेट ब्लॉग बना रहा हूँ। खाना रोज़ थोड़ा लेट ही बनाता हूँ मैं, अगला टाइम बहुत काम रहता है, अकेला रहता हूँ तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाता है। फिलहाल अभी थोड़ा सब्जी को काट लेता हूँ, फिर बनाऊँगा। फिर बाकी आप लोग आज मैं अब स्टोरी बताऊँगा, मेरी शादी होने के बाद किस तरह का मैंने स्ट्रगल हुआ उसका जरूर आप लोग देखिएगा, मेरा पूरा ब्लॉग आज देखिएगा, उसके पूरा मैं अपना स्टोरी बताऊँगा ये स्ट्रगल का जो भी। गाइस अभी बैठा दिया हूँ, परवल का सब्जी काटा हुआ सब कुछ हो गया, होने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो देखिए तेल उल देकर अभी फिलहाल इसको डाल दिया हूँ खाली, तो इसको परवल बोलते हो मुझे अभी पता चला, हम लोग पटल बोलते हैं आप लोग परवल बोलते हो, तो परवल का सब्जी है। तो इसमें हल्दी वगैरह मसाला वसाला डाल देता हूँ। तो गाइस इसको आज सूखा सूखा बनाऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा ग्रेवी टाइप बनाऊँगा हल्का सा। मैं दिखाता हूँ अभी मसाला वसाला सब कुछ डाल दिया उसमें, तो थोड़ा ये अभी आँच पे पकते रहेंगे, इसी तरह हिलाता रहूँगा थोड़ा सा, तो पक जाना, हल्का सा ग्रेवी देकर बनाऊँगा, देखता हूँ कैसा बनता है, सिंपल है। ठीक है गाइस, तो गाइस मेरा खाना पीना हो चुका है, अभी शाम हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी 6 बज चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी। तो जब मेरा मतलब घर से बातचीत हो रहा था, जब मेरा स्टोरी चल रहा था हैं, ठीक है, तो उसका घर से कोई नहीं आया था, मैं अपने घर में बताया था ऐसा ऐसा है, तो हम लोगों को मतलब शादी करना है, तो इस तरह का मतलब बात बोला मैंने घर पर। तो घर में बोलने के बाद उन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया मेरे घर वालों ने, तो इसी तरह चलता रहा करीब 6 महीने तक, इसी तरह चलता रहा, बोलता रहा, बात करता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो अंत में फिर मैंने कहा कि यहाँ रहना, तो मुझे यहाँ से भी निकाल दिया गया। जब बोला कि हम दोनों ने शादी कर गया तो यहाँ रहने दो, तो मुझे यहाँ से भी निकाल दिया गया था, जो अभी यादवपुरा में रह रहा हूँ, तो यहाँ से भी निकाल दिया गया था, मतलब प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया गया था। और मुझे बोला गया था कि तुम्हें यहाँ रहना है तो 10 लाख रुपया देना होगा। तो सोचिए मैं 10 लाख रुपये कहाँ से दूंगा? अगर 10 लाख रुपया मेरे पास होते मैं खुद ही छोटा घर नहीं खरीद लेता कहीं, तो कुछ बिजनेस नहीं कर लेता कुछ, तो सोचिए। उसके बाद मुझे घर ढूंढना पड़ा, फिर मैं किराए का घर ढूंढते ढूंढते बहुत एरिया में गया, तो ज़्यादातर एरिया में दिया नहीं, तो बहुत सारा मतलब हिंदू एरिया में तो गया, तो वहाँ तो सीधे ही रिजेक्ट कर दिया, दिया नहीं, बोला मुस्लिम लोगों को कि रेंट में किराया नहीं देता। तो मैंने कहा यार मेरा बिल्डिंग में तो यार मुस्लिम हो हिंदू हो साला भरा पड़ा है, सब रहता है यहाँ, मेरा मुस्लिम एरिया है, तो आप लोग के एरिया में क्यों नहीं देते? बोलता नहीं देता है, ये कौन सा नियम है? बचपन से तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, कहीं रेंट में घर लेने तो गया नहीं था। फिर मुझे प्रैक्टिकलिटी तभी पता चला कि मतलब एक ये है, हिंदू लोग मुस्लिम अपने मतलब अपने बिल्डिंग में घर में किसी भी मुस्लिम को हिंदू लोग रेंट में घर देता ही नहीं है, जबकि हम लोग रखते हैं। अभी भी मेरा बिल्डिंग में बहुत पड़ा, उधर पड़ा हुआ है, 4-5 लड़का रहता, सारा हिंदू है, ऊपर में एक और लेडीज रहती है, तो भी शादीशुदा है, तो उस वो भी हिंदू है, हम लोग मुस्लिम है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिलकर अलग हिंदू एरिया में कोई देता ही नहीं है। तो ऐसे चलता रहा, ढूंढता रहा, काफ़ी 1 महीना ढूंढने के बाद फिर एक जगह मिला, इतना हिंदू आदमी ने रिजेक्ट किया, कारण ज़्यादातर एरिया हिंदू है, तो यहाँ मुस्लिम एरिया बहुत छोटा है, तो हिंदू एरिया ही ज़्यादा मिलेगा। तो क्या सब जगह रिजेक्ट होने के बाद, तो एक मालिक प्रॉपर्टी था, वहाँ पे मालिक नहीं रहता था, मतलब रेंट में चुप दिया हुआ था, तो वहाँ पे मिल गया, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं था हिंदू मुस्लिम का, तो लोगों को रेंट ही चाहिए था, तो वहाँ पे फिर रेंट वगैरह दे के एडवांस वगैरह दे के रूम ले लिया। ठीक है, तो रूम लेने के बाद इतना दूर हो गया, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, तो वहाँ पे रूम लेने के बाद धीरे धीरे सामान वगैरह धीरे धीरे थोड़ा खरीदने लगा, बेड नहीं था बेड खरीदा, फिर सामान खरीदा, ऐसे करते करते थोड़ा बहुत करते करते महीना भर तो करीब 15-20 दिन तो वहाँ रहा ही नहीं, 1 महीना तो सामान जुटाने में लग गई, धीरे धीरे वहाँ सामान शिफ्ट किया, कपड़ा शिफ्ट किया, ऐसे ऐसे करते करते फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ तो रहने नहीं दिया। तो वहाँ करीब 6 से 7 महीना वहीं रुक, ज़्यादा ही होगा, कारण मेरा बेटी का भी जन्म वहीं हुआ। ठीक है, तो वहीं पे बेटी का
जब छोड़ा ना तब मेरा बेटी का जन्म हुआ था लास्ट टाइम पे, तो वहाँ करीब 1 साल के आसपास रहा हम लोग, ठीक है। तो बेटी का जन्म हुआ वहाँ पे करीब 1.5 महीने 2 महीना लास्ट वहाँ रुका। तो यहाँ पे आने के लिए यहाँ मैं आता नहीं था ना, उन लोगों ने मुझे कभी कॉल किया। सोचिए मैं यहाँ से चला जाने के बाद ना तो मेरा माँ ना मेरा मतलब किसी ने भी फ़ोन नहीं किया मेरा घर से, ना बाप ना किसी ने भी खबर भी नहीं लिया पूरा 6 महीने तक, 6 महीने का 1 साल तक कोई खबर नहीं लिया, कुछ पूछा ही नहीं, चला गया बस। उन लोगों को शांति हो गया जो कुछ करना नहीं है, मौत में बच गया, प्रॉपर्टी भी बच गया, चला गया। अब वहाँ चला जाने के बाद 1 साल तक कोई खबर नहीं, क्या खाया पिया लिया कुछ खबर नहीं, ना ना माँ ने फ़ोन किया कभी, बाप तो किया ही नहीं, छोड़ी है। जिस बाप के लिए मैंने इतना साल गवा दिया, बर्बाद हो गया साथ में रहते रहते, उसने भी एक बार मुझे फ़ोन करके खबर नहीं पूछा, ठीक है। वो तो गया, फिर वहाँ अब जॉब नहीं कर पा रहा था, क्या मेरे तब मेरा वाइफ प्रेगनेंट थी, तो वहाँ जॉब करता भी कैसे, ख्याल भी रखना, खाना भी पकाना है, वो सर दिक्कत हुआ तो वहाँ जब नहीं करते, जमा पूंजी था वही ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अस्पताल में जब लास्ट टाइम में जब डिलीवरी का टाइम आया तब मेरे पास पैसा ही नहीं था, सिर्फ 2,000 रुपया जेब में पड़ा हुआ था। जैसे जैसे अस्पताल में एडमिट किया करीब 1,000 रुपया ना कितना दिया था डिपॉजिट, बाकी बाद में दूंगा बोल के ये करके आया था। और जैसे जैसे मदद मांगने के लिए आया, यहाँ घर पर आया मदद मांगने, कोई किसी ने भी मदद नहीं किया, फिर किसी से उधार लेना पड़ा मुझे और ब्याज में लेना पड़ा, ब्याज में लेके फिर चुका के फिर लास्ट में डिस्चार्ज हुआ, फिर घर आया, फिर अपना वहाँ रूम में चला गया। उसके बाद धीरे धीरे आने लगा, बोलने लगा बहुत तकलीफ़ हो रहा है यार, रहने दो कुछ जगह दे दो, रेंट भरना पड़ रहा है, करें इनकम है नहीं इतना रेंट भरो 6-7 हज़ार, फिर खाने पीने का अलग है, नहीं भर पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था नया नए में। तो किसी तरह मगजमारी करके एक दिन क्या नसीब था बोला कि चलाओ, उसी दिन अगले दिन ही जैसे तैसे आगे यहाँ पर रूम पे आ गया। उसी दिन से यहाँ घुसा तो घुसा ही, लेकिन एक बात है कि आज तक मतलब किसी ने भी 2 पैसा कभी मदद नहीं किया मेरा, ठीक है। तो हो गया, फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट चुकाने लगा, बहुत भारी गिरने लगा उसका इंटरेस्ट 10% करके, फिर जैसे तैसे पापा को मतलब फादर को अब्बा को बोला जैसे कर दो, तो उसने खाली यही बोला कि ये उधार मार दूंगा और कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो 20,000 रुपया दिया तो मैं उधारी मार दिया, ठीक है। तो उससे छुटकारा हो गया। उसके बाद फिर जॉब में घुसा, 5,000 स्टार्टिंग जॉब, इसी तरह स्ट्रगल करने लगा, करते करते पहुँचा, लाइफ पे स्ट्रगल इतना हुआ होने के बाद किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया 1% भी घर का आदमी ने, ठीक है। उसके बाद इतना काम करते करते फिर मार्केटिंग सेल्स का जॉब में घुसा, पान मसाला कंपनी में, उसमें काम करते रहा, फिर लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में आप लोग को पता है कैसा माहौल था, 6 महीना बैठ के खाया, जबकि मेरा कमाई है नहीं, प्राइवेट कंपनी को सैलरी देता नहीं हम लोग को, बैठ गया ख़त्म, ठीक है। तो जब से बैठा कोई कमाई नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा हम लोगों का, तो जैसे जैसे 6 महीना इधर उधर करके खा लिया, किसी तरह गुजारा चला लिया, अब सरकार ने बंद किया, क्या करूँ उपाय तो है नहीं, मुश्किल हो गया। 6 महीना जैसे तैसे जो वक्त का खाना खा के जी रहा। उसके बाद लॉकडाउन खुला, फिर काम में घुसा, कुछ महीना किया, फिर लॉकडाउन लगा। उसके बाद अगले लॉकडाउन में 2-3 महीना लॉकडाउन सेकेंड वाला गया, उसके बाद थर्ड लॉकडाउन में जब खुला फिर काम में लगा, तो कुछ 15-20 दिन करने के बाद फिर मुझे बीमारी हो गया, हार्ट मतलब लंच में यहाँ छाती में पेन होने लगा। तो काफ़ी दिन करने बाद गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, ये पूरा लॉक मतलब जाम हो गया था, इतना तकलीफ़ दे रहा था, रात को सो नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था। फिर लास्ट में डॉक्टर का दिखाना पड़ा, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर एक्सरे किया, देखा तो पानी हो गया था लंच में, और उसके बाद टीबी हो गया, टीबी पकड़ में आ गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने पूछा क्या काम करते हो, बोला ऐसा करीब आठ घंटा तो दिन में एनी टाइम नॉन स्टॉप में एक्टिवा चलाता हूँ, कारण सेल्स का तो मैं हर दुकान में काउंटर में जाना होता, विजिट माल दो निकलो, तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, करीब 40 एक दिन में करीब 60 किलोमीटर अप डाउन हो जाता है मेरा, ठीक है। तो रोज़ वही है, 3 बार गाड़ी में रहना है, ये दोनों कंधा के वजह से यहाँ पे टीबी हो गया। टीबी होने के बाद बहुत ज़्यादा हो चुका था, मैं रह नहीं पा रहा था दर्द की वजह से, पागल हो गया था, जब दर्द होता है बहुत सो नहीं पाता, रात को बहुत तकलीफ़ में था। फिर एडमिट हुआ, डॉक्टर ने जान पहचान किसी तरह पहुँच गया, तो एक्टिव किया, 8 दिन रहा। तो 8 दिन में मुझे
मैंने कहा क्या, बचपन से जितना भी दोस्त था, कोई भी जान पहचान है जिनके लिए मेरा मेरे एरिया में सब जान पहचान है, किसी ने भी एक बार भी कॉल करके खबर नहीं लिया, एक बार भी। मैंने कहा एक बार भी, सबको पता चल गया था मैं ऐसे ऐसे एडमिट हूँ, जबकि मैं फेसबुक में भी अपना पोस्ट दिया था कि एडमिट हूँ मैं ऐसे ऐसे बीमारी में, किसी ने भी एक बार भी नीचे ना कमेंट किया। छोड़िए वो तो फ़ोन तो करना चाहिए, किसी ने एक बार फ़ोन करके नहीं पूछा। ये तो छोड़िए, मेरा घर वाला भी नहीं पूछा मुझे कॉल करके, आदमी जब एडमिट था को गया तक नहीं देखने के लिए, फ़ोन करके कर ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता था। छोटा भाई को बुलाया, वो भी आना नहीं चाहता है, बोला रात को रुकने के लिए एक आदमी चाहिए मुझे, अस्पताल में डर लगता है रहने में, इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, कितना लोग मरते हैं जीते हैं, तो ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता था, ज़बरदस्ती बुला बुला के फिर लाना पड़ता था, ऐसा हालत था। लेकिन 8 दिन में कोई भी ना, तो मेरा बाप ने मुझे एक बार भी मिलने गया, ना माँ गया, ना बहन, ना कोई कोई भी नहीं गया, मतलब ऐसा पैसा का मामले में किसी ने मदद नहीं किया। ठीक है, अकेला ही मेरा वाइफ पूरा सरकारी अस्पताल, आपको पता ही है कितना दूर दूर होता है, एक विभाग भागना पड़ता है, 8 दिन अकेला उसी ने दौड़ा भागा सब कुछ किया, कैसे कैसे पैसा मैनेज किया। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा घर वाला बहुत कम पैसे दिया था, मतलब सोचिए एक इलाज कराने कितना चाहिए, 5,000 रुपये दिया, लेकिन इलाज में कितना रुपया खर्चा हो गया। और जो इलाज के बाद जब मेडिसिन स्टार्ट हुआ, जब मैं काम नहीं कर पाया, करीब 1 साल तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, इतना हालत ख़राब हो चुका था मेरा, इतना कमजोरी, ना तो चल पा रहा था, पकड़ पकड़ के मुझे ले जाना पड़ रहा था, ऐसा हालत हो चुका था। तो कुछ 1 साल में मेरा घर कैसे चला, किसी ने भी कोई पूछा नहीं, ना खबर लिया, मैंने गया अपने समाज में, वहाँ पर भी मदद मांगी, किसी ने भी मदद नहीं किया, मतलब किसी ने भी मदद नहीं किया, इस तरह मेरा हालत था। लेकिन जैसे जैसे चल गया, उपाय नहीं था तो क्या करें, किसी ने कहीं से भी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना उपाय नहीं था, तो उस मजबूरी में आदमी को जो भी मिले, अच्छा बुरा जो काम मिला, जैसे पैसा मिले वैसे ही लाया, खाया पिया चला, उपाय नहीं था, मजबूर था, लाचार था एकदम, किसी ने भी मदद नहीं किया, किसी ने भी दुख मेरा नहीं समझा। मैंने इस तरह से 1 साल गुजार दिया, 1 साल से ज़्यादा गुजरा मेरा, अभी भी है कि मैं प्रॉपर काम मेहनत नहीं कर पाता हूँ। तो अभी कार का तो आपको पता ही है, शुरू किया चलाना स्टार्ट किया था, तो लॉन्ग ड्राइव जा रहा होने की वजह से फिर मेरे यहाँ पेन होने लगा था, मैंने तो अभी काफ़ी दिन से रेस्ट ले लिया, गया ही नहीं, तो बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, तो इस तरह से चला रहा हूँ, उपाय नहीं है, मुश्किल है, बट गुजारा तो करना पड़ेगा। तो गाइस यही था सारा मेरा कहानी के, क्या बोलूँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा, जब कोई भी सपोर्ट ना तो क्या कर सकते, बस ऊपर वाला का आसरा था, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी इतना जब बुरा परिस्थिति में आदमी अच्छा और बुरा सोचने का लायक नहीं बचता है, सिर्फ सर्वाइव करने का लिए आदमी सोचेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाएगा। तो मैं भी वही सोचा कि जिंदा कैसे रहो, परिवार को जिंदा कैसे रखो, बस खाना पीना कैसे रहो, चाहे किसी भी रास्ता से पैसा आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैंने सब छोड़ दिया था, कारण सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे तो कहीं ना कहीं पकड़ना ही पड़ेगा, ऐसा हालत था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।